हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और बाद में आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आई है वो सही है या गलत। ओके, तो फर्स्ट हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x एज इट इज़ रहेगा, 2x को जब आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 18 एज इट इज़। ओके, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x इक्वल 18। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 18। अब आप चेक करेंगे इसमें इस वैल्यू को रखकर। ओके, तो चेक कर लेते हैं हम, 3x इक्वल 2x प्लस 18। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है 3x और राइट हैंड साइड है 2x प्लस 18। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 3x इक्वल 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 18 इक्वल 18 थ्री ज़ा 54। ओके, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड है 2x प्लस 18 इक्वल 2x की वैल्यू क्या है, 18 प्लस 18 इक्वल 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस 18। तो यहाँ से इनको जब प्लस करेंगे तो 54। तो LHS किसके इक्वल है, RHS के। ओके, LHS इक्वल है RHS के। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू 18 है वो हमारा क्या है, आंसर सही है। ओके, इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर जो x की वैल्यू आएगी 18 उसको आप इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि LHS इक्वल है क्या RHS के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन है 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। ओके, तो 5t एज इट इज रहेगा, 3t को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3t हो जाएगा, इक्वल में माइनस का 5, जब ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। ओके, 5t माइनस 3t क्या हो जाएगा, 2t इक्वल माइनस प्लस माइनस, तो जब 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 और साइन बाई डिजिट का माइनस का, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएंगी माइनस 1। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल 5, टी की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस 1 माइनस 3 इक्वल 5 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 होगा और माइनस 3 इक्वल में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 और 3 8 और साइन बाई डिजिट का माइनस का। नेक्स्ट है RHS, RHS क्या होगा, 3t माइनस 5 इक्वल 3, टी की वैल्यू क्या है, माइनस 1 माइनस 5 इक्वल 3 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 और माइनस का 5, इक्वल में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5 और 3 8 और साइन बाई डिजिट का माइनस का। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल कर या किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन को आप क्या सॉल्व करेंगे, 5x एज इट इज़ रहेगा। ओके, 3x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 3x इक्वल 5, 9 को जब उधर लेके जाएंगे माइनस 9, 5 में से 3x माइनस करेंगे 2x इक्वल 5 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 होगा। ओके, x इक्वल माइनस 4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2। ओके, नेक्स्ट इसको हम चेक कर लेते हैं, 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x प्लस 9 इक्वल 5 एज इट इज़, x की वैल्यू क्या है, माइनस 2 प्लस 9 इक्वल 5 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 और प्लस का 9 इक्वल में माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 और साइन बाई डिजिट का माइनस का 1। RHS क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3x इक्वल 5 प्लस 3, x की वैल्यू क्या है, माइनस 2 इक्वल 5 एज इट इज, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 टू जा 6 इक्वल 5 में जब 6 को माइनस करेंगे तो माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। नेक्स्ट इक्वेशन देखा है,
4z plus 3 equal 6 plus 2z, ओके, तो 4z as it is रहेगा, 2z को जब इधर लेकर आएंगे, माइनस का 2z equal 6, 3 को जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3, 4z में से जब 2z को माइनस करेंगे, 2z equal 6 minus 3, 3, z equal 3, यहाँ पर 2 multiply में है तो यहाँ पर divide में हो जाएगा, तो z की value क्या हो जाएंगी, 3/2, ओके, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं इसको, 4z plus 3 equal 6 plus 2z, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4z plus 3 equal 4, z की वैल्यू क्या है, 3/2 और प्लस का 3 equal, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है, तो 4 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 plus 3, तो equal में 9 होगा, ओके, राइट हैंड साइड क्या होगा, 6 plus 2z equal 6 plus 2, z की वैल्यू क्या है, 3/2 equal, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, 6 plus 3 equal क्या हो जाएगा, 9, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, तो हमारी जो यहाँ पर z की वैल्यू है 3/2 वो क्या है, सही है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन है 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस x, तो इसमें 2x एज इट इज रहेगा, माइनस का x जब इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इक्वल 14 एज इट इज, माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ओके, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल 14 प्लस 1 15, एक्स इक्वल 15 एज इट इज, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो एक्स इक्वल 5, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, 5, अब हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल 2, एक्स की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 1 इक्वल 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 1 इक्वल 9, राइट हैंड साइड क्या होगा, 14 माइनस एक्स इक्वल 14 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 5, तो 14 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो 9, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 8x एज इट इज रहेगा प्लस 4 एज इट इज इक्वल, ये ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 जो होगा वह x से ही मल्टीप्लाई होगा और 3 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस का 7 एज इट इज, 8x एज इट इज रहेगा प्लस 4 एज इट इज इक्वल 3x माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 और साइन बाई डिजिट का प्लस का, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8x एज इट इज रहेगा, 3x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3x इक्वल 4 एज इट इज, प्लस के 4 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4, 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल 4 माइनस 4 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ओके। नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं, 8x प्लस 4 इक्वल 3x माइनस 1 प्लस 7, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम x की वैल्यू को रखेंगे, ओके। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 8x प्लस 4 इक्वल 8, x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 4 इक्वल 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4 इक्वल 4, राइट हैंड साइड क्या होगा, 3x माइनस 1 प्लस 7 इक्वल 3, एक्स की जगह पर क्या आएगा, 0 माइनस 1 प्लस 7 इक्वल 3 एज इट इज रहेगा, 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 और प्लस 7, तो यहाँ से 3 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 प्लस 7 एज इट इज इक्वल में माइनस प्लस माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 साइन बाई डिजिट का प्लस का, तो 4 और 4, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ओके। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सेवेंथ इक्वेशन क्या है, x इक्वल 4/5 x प्लस 10, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, x को आप एज इट इज रहने देंगे इक्वल में, 4/5 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5x प्लस एज इट इज, 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40/5, ओके। यहाँ पर आप 40/5 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 5, 5 8 40, तो x इक्वल 4/5x प्लस 8, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रहने देंगे, 4/5x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 4/5x होगा इक्वल में 8, यहाँ से हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इसका LCM लेंगे, 1 और 5 का LCM 5 होगा
इक्वल में 8 एज इट इज रहेगा। 1 के रियल में 5 आता है 5 टाइम, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस 5 के रियल में 5 आता है 1 टाइम, 1 को 4x से करेंगे तो 4x, तो 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा x। ओके तो x बाय 5 इक्वल 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होंगी 8, यहाँ पर 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 40। ओके x की वैल्यू क्या आई 40। अब हम क्या करेंगे इसको चेक कर लेंगे, x इक्वल 4 बाय 5 x प्लस 10, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा आपका 40, राइट हैंड साइड क्या होगा 4 बाय 5 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 40 प्लस 10। ओके तो 4 बाय 5 एज इट इज ये हो जाएगा 40 प्लस 10 50, 50 को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 5 से ये 10 टाइम कैंसिल होगा, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। ओके तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करके इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x बाय 3 प्लस 1 इक्वल 7x बाय 15 प्लस 3, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2x बाय 3 एज इट इज रहेगा, 7x बाय 15 को आप इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7x बाय 15 हो जाएगा, इक्वल में 3 एज इट इज, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 और 15 का एलसीएम क्या होता है 15, 3 के टेन में 15 आता है 5 टाइम, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जर 10x, माइनस 15 के टेन में 15 आता है 1 टाइम, 1 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x, इक्वल 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 10x माइनस 7x क्या हो जाएगा 3x बाय 15 इक्वल में 2। ओके 3 से आप 15 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो x बाय 5 इक्वल 2 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसको चेक कर लेते हैं, 2x बाय 3 प्लस 1 इक्वल 7x बाय 15 प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x बाय 3 प्लस 1 इक्वल 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 10 बाय 3 प्लस 1। ओके तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बाय 3 प्लस 1, इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 3, 3 के रियल में 3 आता है 1 टाइम, 1 से ये 20 प्लस एज इट इज, 1 के रियल में 3 आता है 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इक्वल में कितना हो जाएगा 23 बाय 3। ओके ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड है 7x बाय 15 प्लस 3, तो 7x की वैल्यू क्या है 10 बाय 15 प्लस 3। ओके तो ये हो जाएगा 70 बाय 15 प्लस 3, यहाँ से एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम होगा 15, 15 के लिए 15 आता है 1 टाइम, 1 से ये हो जाएगा 70 प्लस, 1 के लिए 15 आता है 15 टाइम, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 115 बाय 15। ओके इसको आप कैंसिल कर देंगे 5 से, 5 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम, 5 से ये 5 टू ज़ा 10, 1 5 थ्री ज़ा 15, तो 23 बाय 3। ओके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या है 1। तो नाइन्थ इक्वेशन क्या है 2y प्लस 5 बाय 3 इक्वल 26 बाय 3 माइनस वाई, इसमें हम क्या करेंगे 2y एज इट इज रहेगा, माइनस y को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का y इक्वल 26 बाय 3 एज इट इज, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 बाय 3। ओके 2y प्लस y क्या होगा 3y इक्वल, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। ओके तो 26 में से हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 5 को माइनस कर देंगे तो 21 बाय 3 हो जाएगा, 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 बाय 3। ओके नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेंगे, 2y प्लस 5 बाय 3 इक्वल 26 बाय 3 माइनस y, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 बाय 3 और प्लस 5 बाय 3 इक्वल, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 बाय 3 प्लस 5 बाय 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 14 प्लस 5 19 बाय 3, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड है 26 बाय 3 माइनस y, y की वैल्यू क्या है 7 बाय 3, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 26 में से माइनस करेंगे 7 तो 19 बाय 3, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके
नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, लास्ट इक्वेशन m इक्वल 5m माइनस 8 बाय 5। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3m एज इट इज रहेगा, 5m जब इधर आएगा तो माइनस का 5m इक्वल में माइनस का 8 बाय 5 एज इट इज रहेगा। 8 बाय 5 का साइन है माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर लगेगा। ओके, 3m में से जब माइनस करेंगे 5m को तो माइनस 2m आएगा इक्वल में माइनस 8 बाय 5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो m की वैल्यू हो जाएंगे 8 बाय 5। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएंगी 8 बाय 10। ओके, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 बाय 5। ओके, नेक्स्ट हम इसको चेक कर लेते हैं, 3m इक्वल 5m माइनस 8 बाय 5, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3m, तो 3m की वैल्यू क्या है 4 बाय 5, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बाय 5, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया 12 बाय 5। राइट हैंड साइड क्या होगा, 5m माइनस 8 बाय 5 इक्वल 5, m की वैल्यू क्या है 4 बाय 5 माइनस 8 बाय 5 एज इट इज इक्वल, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो 4 माइनस 8 बाय 5। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा 5, 1 के इनमें 5 आता है 5 टाइम, 5 4 जा 20 माइनस 8 इक्वल, 20 में से 8 माइनस करा 12 बाय 5। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड 12 बाय 5 है, राइट हैंड साइड 12 बाय 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। आज हमने इस वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।